अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस मासूम को इसकी असली मां ने बेटी होने की सजा दी। कपकपाती ठंड में एक मंदिर के गेट पर छोड़ दिया, लेकिन किस्मत का खेल भी अजब होता है। एक मां की ठुकराई बेटी को पाने के लिए अब दो माएं जद्दोजहद कर रही हैं। आपको बताते हैं पूरी कहानी। मामला धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र का है। गोल्डन पहाड़ी शिव मंदिर के गेट पर यह नवजात बच्ची पड़ी मिली। मौके पर जमा हुई भीड़ में शामिल थी पिंकी देवी। ठंड में तड़प रही बच्ची को उन्होंने तुरंत अपनी गोद में ले लिया, उसे चुप कराया। वो खुद बच्ची को लेकर थाने पहुंची। मासूम की हालत खराब थी, सो उसे पुलिस तुरंत अस्पताल लेकर गई। इस बीच थाने की चौकीदार जया देवी को भी बच्ची से देखते ही लगाव हो गया। अब ये दोनों महिलाएं बच्ची को अपनाना चाहती हैं। पिंकी की जहां कोई औलाद नहीं है, वहीं जया का कहना है कि वो इस बच्ची की नानी बनना चाहती हैं। उनकी बेटी को कोई बच्चा नहीं है। रख ले तो मेरे बच्ची, हम दिए तभी ना आप लिए। सुनिए, आपकी बेटी करोगे क्या जया देवी जी? आपकी बेटी बच्ची, अगर हम छुप के रख लेते हैं, अब कल आप फिर चलता आप बात छीन ही लेते हैं, तो इसी चलते सोचो कि कागज पत्र के साथ क्या लड़ रहे हैं। सो बोल, हमको क्या मतलब? गोल्डन पहाड़ी से कैसे मिला था? मैं एगो लेडीज लाए हैं, लेडीज रख ले था घरे में। तो लेडीज कहा कि हम थाना में, बड़ा बाबू हमको बुलाया तो कहा कि गोल्डन पहाड़ी में बच्चा है, चलो लाने के लिए। तो हम गए लाने के लिए, तो लेडीज से साथे साथ आया है। लेडीज कहता है हमको दे दो, हम कहते हम ले लेंगे। जो बोल रहे हैं दोनों में आपाधापी, और वो बोल रहा है हम कहे हम ले लेंगे, हमारा बच्चा बेटी के नहीं है तो हम देने चाह रहे हैं। तो ये कहता हम ले लेंगे, यही में अंतर है और कुछ नहीं सर। आप ही रखने को इच्छुक हैं? हाँ, आप ही, हम ही रखने चाह रहे हैं। लड़का है कि लड़की? लड़की है। फिलहाल बच्ची का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है और दोनों महिलाएं एनआईसीयू के बाहर बच्ची को पाने की आस में खड़ी हैं। इस बीच मासूम के बारे में चाइल्ड वेलफेयर को खबर दे दी गई है। इस मामले में बाल कल्याण समिति की पदाधिकारी विद्योत्तमा बंसल ने कहा कि बच्ची को गोद लेने के लिए दोनों महिलाओं को सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो उनको कारा में अपलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से वेरिफिकेशन करेगा, उनके घर का वेरिफिकेशन करेगा, उनकी एज की, उनके इनकम की, और मतलब सारा चीज़, जैसे कोई क्रिमिनल केस वगैरह ऐसा तो नहीं है, सब कुछ नीट है पूरा। तब उसके बाद अगर जिसका नंबर आया, जिसके लिए सब सही चीज़ निकला जांच के बाद, तब उसको बच्चा दिया जाए। साफ है कि जो महिला और उसका परिवार गोद लेने की शर्तों को पूरा करेगा, बच्ची उसी को सौंपी जाएगी। लेकिन दोनों महिलाओं में बच्ची को पाने की ललक से ये तो साफ है कि कम से कम इस मासूम की जिंदगी अनाथ की तरह तो नहीं बीतेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।